आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कोटा में फंसे छात्रों को लेकर गया स्टेशन पर कैसे ट्रेन पहुंची, ट्रेन पे पहुंचने के बाद छात्रों के साथ क्या किया गया, क्या उनका जांच हुआ या सीधे उन्हें घर पहुंचाया गया, छात्रों की अगुवाई करने के लिए यहां पे कौन कौन थे, हर एक पल की खबर आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छात्रों के चेहरे के सुकून को आप महसूस कर सकते हैं। आखिरकार ये छात्र कोटा से पुनः गया पहुंच ही गए। कोटा से स्पेशल ट्रेन के द्वारा बुलाए गए छात्रों से जुड़ी हर पल की खबर आज आप इस खबर में जरूर देखें। जितने भी लालकुली प्लेटफॉर्म में है इतने अपना प्रतिशत ले लेंगे, लालकुली कितना जान में है, जो भी प्लेटफॉर्म में है इतने अपना अपना प्रतिशत ले लें, लालकुली कितने यहाँ से वहाँ का बोगी नंबर पूछ लीजिए। सामने में कितने दिन से वहाँ फंसी हुई थी? एक साल से हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। क्या परेशानी अभी हो रही थी? वहाँ पे खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हमें वहाँ पे, सारे मैसेज बंद हो गए। तो बॉयज को मेनली प्रॉब्लम हो रही है कि उनके यूपी के जो बच्चे चले गए तो बहुत सारे मैसेज बंद हो गए, तो हमें खाना नहीं मिल पा रहा, एक टाइम का मिलता है पूरे दिन फिर नहीं मिलता। सरकार ने पहल की ट्रेन, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहाँ जाना है आपको? न्यू गोदाम जाना है। गया में? हाँ गया। नहीं गोदाम कोई परेशानी यहाँ पर? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से लेंगे। जांच वगैरह की गई? बहुत, हाँ हाँ बहुत सारे जांच। नाम बताइएगा। अपराध। अच्छा, ये क्यों आना पड़ गया, क्या समस्या हो रही थी? समस्या की हम खाना बहुत खराब मिल रहा था, मेरे बंद होने वाला था, सारे बच्चे स्टेट के चले गए थे, 200 से पार चले गए थे पॉजिटिव इस कारण से। कितने दिन से आप फंसे हुए थे वहाँ? 40 दिन। क्या क्या परेशानी हुई वहाँ? यही कि खाना प्रॉब्लम था और मेस भी सारे बंद हो जाते हैं। ये सरकार ने पहल की है, ट्रेन और बस दिया गया है, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा लगा, थोड़ा लेट से किया लेकिन ठीक किया। कहाँ जाना है आपको? सुट्टा मॉल। यहाँ से कैसे जाएंगे? बस। बताएं सर, वैश्विक कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बाद बिहार के लोग बड़ी संख्या में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं और हमारा प्रवासी मजदूर और धार्मिक उत्सव में जो गए थे, अस्वस्थ लोग भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग थे आकर, और पहल राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया था कि भाई ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और मुझे खुशी है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पहल पर, माननीय गृहमंत्री जी के प्रयास से, और आज यह व्यवस्था बनी है जाकर के। और आज मगध प्रमंडल के गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल के 994 छात्र छात्राएं और अन्य लोग सब जो आए हैं जाकर के, सबों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जाकर के। लंबे समय से इंतजार था जाकर के। सर, उनकी जांच वगैरह की जा रही है? यहाँ पर हेल्थ कैंप है, हेल्थ कैंप पर जांच हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, परिवहन का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम है, पानी का इंतजाम किया गया है राज्य सरकार के द्वारा जाकर के, सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सब बस से अपने अपने जिलों में गंतव्य को भेजे जाएंगे। अगर मजदूरों का किराए का लेकर के जो बात बढ़ा था उस पर क्या कहना चाहिए? हम देख लेते हैं, अभी जो आए हैं उनको स्वागत कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो फंसे हुए लोग हैं उन सबों को लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। कल एक ट्रेन पटना आई थी, आज बिहार में ट्रेन आई है, कोटा से बरौनी आ रही है, काफी लोगों को खुशी है। अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है, राज्य सरकार का स्तर पर सारी व्यवस्था की जा रही है, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, फिर से आने वाले छात्रों का स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी के आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। इसमें 994 लोग आए हैं और उसमें 311 लोग गया के हैं, 259 लोग नवादा के हैं और 200 लोग करीब औरंगाबाद के हैं, और अरवल और जहानाबाद के भी लोग हैं।
और ये सारे बच्चे हैं कोटा में जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और ये ट्रेन करीब 12 बजे आधा घंटा पूर्व आई है और उसके बाद विभिन्न गेट्स पे इनके एग्जिट की व्यवस्था की गई है और इनकी सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। इनसे एक घोषणा पत्र भी लिया जा रहा है कि ये सभी लक्षण नहीं होने पर अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन के लिए 21 दिन रहेंगे, ये घोषणा पत्र किया जा रहा है। इन सभी के लिए विभिन्न जिलों से बसेज आई हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते उनको बैठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, वहाँ से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेके जा सकेंगे या इन बच्चों को भी उनके ब्लॉक तक या संबंधित गंतव्य स्थल तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी इनकी जाँच की है, यहाँ पर इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी कोई लक्षण नहीं है उनको होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग भेज रहे हैं। अगर लक्षण किसी का होगा तो उनको हम लोग सैंपलिंग टेस्टिंग करा के और निगेटिव पाए जाने पर फिर उनको घर भेज दिया जाएगा। ये बिहार गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है और उनके द्वारा इसमें काम किया गया है। 311 लोग हैं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग में दो तरह, एक तो है कि इनके जो अलग अलग बोगी में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, एक सीट पे दो लोग केवल बैठाए गए हैं और जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक स्लीपर में 72 लोग बैठते हैं तो उसकी जगह यहाँ पे 54 लोग बैठे हुए हैं और 54 लोगों के बाद भी जब ये लोग नीचे जब ट्रेन जो कोटा में बैठाया गया तो उनको स्टैगर्ड करके बैठाया गया है। यहाँ पे भी अलग अलग जिलावार इनका बोगी खोला जा रहा है और जिलावार इनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके द्वारा भेजा जाए। पहले महिलाओं को, बच्चियों को पहले हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और बाद में फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है और प्रयास यही है कि वो लोग ससमय भी और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करते हुए अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच सकें। सर ट्रेन और भी आने वाले की तलाश है? देखिए श्रमिक एक्सप्रेस भी चलने वाली है, विशेष श्रमिक एक्सप्रेस भी चलेगी जिसमें कि गया में भी लोग आएंगे, केरला से भी काफ़ी ट्रेनें चलेंगी जो कि पटना, मुजफ्फरपुर और बाकी जगह जा रही है। जब भी हम लोगों को सूचना कम से कम एक से दो दिन पहले मिल जाती है हम लोग तैयारी रखते हैं यहाँ पर हम लोग का ये प्रयास रहेगा प्रशासन का और बिहार सरकार का कि सभी लोगों को बिना किसी मेजर समस्या के लोगों को अपने अपने घर तक या क्वारंटाइन कैंप तक जा सकें। भविष्य में ट्रेनें आएगी, संभावना है भविष्य में ट्रेन आने की।